का बैग बताऊंगी जिसमें आप बच्चों के खिलौने, लंच बॉक्स कुछ भी रख सकते हैं और ये बिना कट लगाए हुए बन सकता है। इसे बनाना बहुत आसान है। इसकी चौड़ाई है 23.5 इंच और इसकी लंबाई है 17.5 इंच। ऐसा दो पीस लिया है मैंने, दोनों में मैंने कैनवास अटैच कर दिया है और 20 इंच लंबा इस तरह का बेल्ट लेना है। मैंने यहाँ से यहाँ 2 इंच छोड़ा है, फिर यहाँ से यहाँ भी 2 इंच हो रहा है, तो इसे स्टिच नहीं करना है। फिर यहाँ सारे में स्टिच करना है, इधर भी स्टिच नहीं करना है, इधर भी 2 इंच स्टिच नहीं करना है, इधर भी 2 इंच स्टिच नहीं करना है, इधर भी 2 इंच स्टिच नहीं करना है, बाकी सारे में करना है। और यहाँ थोड़ा पार्ट खुला छोड़ना है सीधा करने के लिए। अब इसे सीधा करना है। इसके बेल्ट में दोनों साइड से 3-3 इंच छोड़ते हुए, 3 इंच इधर छोड़ते हुए, 3 इंच इधर छोड़ते हुए इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई करनी है। इधर से ये दो जगह जो खुला छोरा है इसमें हैंडल अटैच करना है और ये इस साइड को जिधर खुला छोरा है इसे स्टिच कर देना है। इसके बराबर करते हुए यहाँ एक निशान लगाना है, इधर एक निशान लगाना है और इधर से भी बराबर करते हुए एक एक निशान लगाना है, इधर भी और इधर भी। यहाँ से यहाँ बीच का सेंटर लेते हुए यहाँ से 2.5 इंच से थोड़ा सा कम दोनों साइड एक एक निशान लगाना है। देखिए 2.5 इंच से थोड़ा सा कम लिया है मैंने, यहाँ इतना दोनों में निशान लगाना है। उसके बाद इसका इस तरह जिधर निशान लगाया से ऊपर करना है, इस तरह फोल्ड करते हुए ये जो है इस पार्ट को इसके साथ इस तरह स्टिच करना है, इस तरह से एक स्टिच इधर करनी है और इस साइड एक स्टिच इधर करनी है, इधर भी उसी तरह फोल्ड करना है और सारे में स्टिच करना है, एक पतली सी लाइन स्टिच करनी है। इस तरह से पतली लाइन दोनों साइड से स्टिच कर दी है। ये जो पार्ट खुला छोरा है इसमें हैंडल को डालना है, हैंडल को इसमें डालना है इस तरह से दोनों साइड से। और पिन की हेल्प से ये जो स्टिच किया हुआ पार्ट है इसे यहाँ कोने पे इस तरह रखते हुए पिन लगा देना है। आप चाहे तो बिना पिन से डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं, इस तरह से यहाँ इसे इस तरह रखते हुए एक सिलाई लगानी है इधर इधर और दोनों साइड। लाते हुए हैंडल अटैच कर लेना है, उसके बाद इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ से यहाँ 2 इंच छोड़ना है दोनों साइड से और यहाँ से यहाँ स्टिच करना है। साइड से स्टिच करने के बाद इस तरह 2 इंच जो छोड़ा है इसे इस तरह पकड़ते हुए बीच में करते हुए यहाँ से एक इधर सिलाई लगानी है, एक इधर सिलाई लगानी है। इसे दोनों साइड से स्टिच कर लिया है, इसे सुई की हेल्प से आपको यहाँ अटैच करना है। देखिए फ्रेंड्स इसे मैंने सुई की हेल्प से अटैच कर दिया है और इसे बटन भी लगा दिया है इस तरह से। बिना कट किए आप इस तरह का बैग बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स इसमें रख सकते हैं, खिलौने रख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय।